जैसे जियो फोन ने धमाका मचाया था, इस बार लैपटॉप इंडस्ट्री में जियो मचाने वाले धमाका अपने जियो बुक के साथ। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, जियो का लैपटॉप आने वाले जिसका नाम है जियो बुक, जियो फोन और अब जियो बुक। तो इस जियो बुक में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा उसके बारे में बताता हूँ। ये एक्सक्लूसिवली XDA डेवलपर्स की तरफ से लीक करा गया है, जिसमें लैपटॉप भी हमारे सामने आ चुका है, कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक होकर आए हैं। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना, अभी जो डिटेल्स निकल कर आई है वो इनिशियल स्टेज पर है, मतलब कुछ फाइनल स्टेज पर नहीं है। इसमें काफ़ी सारे डिजाइन में भी चेंज होगा और इसका जो अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें काफी सारे चेंज होगा, हार्डवेयर जो है उसमें भी काफी चेंज होगा। ये काफी इंटरनली यहां पर अभी इसका लैपटॉप पर काम चल रहा है जो कि लीक होकर आ चुका है। अभी जो स्टेज है उसके बारे में आपको बताता हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। सबसे पहले तो इसका नाम होने वाला है जियो बुक, और इसमें आपको OS जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा जियो OS। और ये जो जियो OS है वो एंड्रॉइड पर बेस्ड है, मतलब एंड्रॉइड को ही उस पर स्किन लगा दी है, उसको कस्टम स्किन लगा दी है और उसको नाम दे दिया है जियो OS। बेसिकली ये लैपटॉप जो होने वाला है एक एंड्रॉयड लैपटॉप होने वाला है जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर पाओगे। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एंड्रॉयड 10 पर आएगा, फिलहाल एंड्रॉयड 10 पर है। जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, हार्डवेयर भी चेंज होंगे, ये फाइनल स्टेज पर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो इसका OS है वो जियो OS है और एंड्रॉयड बेस्ड है। और ये समझ सकते हो ये जो लैपटॉप है ना, ये एक तरह का जैसे कि एंड्रॉयड आपको टैबलेट देखने को मिलती है, एंड्रॉयड टैबलेट को ही इन्होंने एक इस तरह से फॉर्म में बना दिया कि वो एक लैपटॉप की तरह लगे। जैसे आपको पता है टैबलेट में कीबोर्ड लगा देते हैं, तो इसी तरह इन्होंने एक लैपटॉप बना दिया जो कि आपका एंड्रॉयड बेस्ड आपका लैपटॉप होने वाला है। अब इसमें आपको मल्टी विंडो वगैरह सब कुछ सपोर्ट मिलेगा, जैसे कंप्यूटर में मल्टीपल विंडोज़ खोल लेते हो और सब कुछ फ्लोटिंग विंडोज़ वगैरह आपको इस तरह का एंड्रॉयड में ही देखने को मिलेगा। इसमें प्री इंस्टॉल काफ़ी जियो की एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगी, जियो मीट, जियो न्यूज़ वगैरह, इस तरह की और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिलेगी और काफ़ी सारी स्पेशली डिज़ाइन लैपटॉप के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऑफिस वगैरह के जो आपको देखने को मिलते हैं MS Word वगैरह, ये सब आप यूज़ कर सकते हो बेसिक पर्पज़ के लिए। ये लैपटॉप सही में आप इसको यूज़ कर सकते हो मीडिया देखने के, मीडिया कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज, वेब सीरीज देखने के लिए, ऑफिस वर्क करना है आपको, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, PPT वगैरह बनानी है, MS Word पर कुछ काम करना है, या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, वो इसमें आप कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका हार्डवेयर जो निकल कर आया है उसके बारे में बता देता हूँ। फिलहाल इसमें स्नैपड्रैगन 665 यूज़ करा जा रहा है, जो काफ़ी बजट वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर जो स्टोरेज वेरिएंट है वो है 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और स्टोरेज जो है वो EMMC वाली है, यहाँ पर UFS नहीं है, मतलब हार्डवेयर जो वो काफ़ी वीक लग रहा है दिखने में। लेकिन इसका प्राइस जो है वो भी काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम मानते हैं कि भाई हार्डवेयर वीक है, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी कम होने वाला है, 10,000 के अंडर होने ही वाला है। लेकिन हो सकता है कुछ सब्सिडीज या फिर ऑफर्स वगैरह के साथ ये 5,000 या फिर 6,000 में लॉन्च हो जाए, तो कितनी अमेजिंग बात होगी। अंबानी भैया मतलब कुछ अलग ही हिसाब कर रहा है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसकी बहुत जल्द अनबॉक्सिंग और बाकी वीडियोज़ भी लाऊंगा कि क्या क्या नया देखने को मिला है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। तो अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपका 4G होगा, इसमें आप 4G सिम लगा सकते हो और हो सकता है सिर्फ इसमें जियो का सिम वर्क करे जैसे जियो फोन में वर्क करता था। और इसकी जो लॉन्च डेट होगी, देखो इसकी लॉन्च डेट अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो हो सकता है अब हो जाए। अभी जियो रिलायंस जियो का AGM होता है हर साल, आई थिंक 2019 में अगस्त में हुआ था और जुलाई में 2020 में हुआ था, और शायद इस बार भी इसी के आसपास हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत अनाउंस कर दे या फिर हिंट दे दे। और फाइनली क्योंकि ये काफ़ी इनिशियल स्टेज पर है, बीटा स्टेज पर है, तो ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो सकता है, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में न्यू ईयर पर लॉन्च कर दे या फिर नेक्स्ट ईयर जो AGM होगा उसमें ये अनाउंस करके यहाँ पर लॉन्च कर दे। लेकिन जो भी होगा वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक करके बता देना, नीचे कमेंट कर देना, और भी वीडियोज आने वाली है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और बस यार चलते हैं।